गुड आफ्टरनून शशिकाल जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। शाम के नहीं दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मैं इस टाइम ऑटो में मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे वाली मार्केट जिसको कि बोलते हैं मनीष मार्केट। कल मेरी फ्लाइट है, कल मुझे निकलना है, तो आज छोटा मोटा जो भी देखना है मम्मी के लिए एक अच्छी चीज़ देखनी थी मुझे, तो अगर कुछ पसंद आएगा तो लूँगी, बाकी देखते हैं। शाम को मेरे को जाना है जू बीच में, सनसेट दिखाना है आपको, माइंड में घुस गया हुआ है दिखाना है, इसलिए अभी निकल रही हूँ क्योंकि इस टाइम में वापस आ जाऊँ फिर वहाँ पे निकल पाऊँ। ठीक है, बन रहे आगे के ब्लॉग में। मार्केट का वीडियो मैंने बनाया नहीं व्लॉग क्योंकि धूप बहुत ही बाहर, मैं घर आने की जल्दी लग रही थी और अभी टाइम 3:50 हो रहे हैं। आई एम ऑन टाइम। भैया क्लीन कर रही हो गया? थैंक यू। आ जाऊँ मैं एक सेकेंड, क्लीनिंग चल रहा है भाई मेरे रूम का, रूम क्लीनिंग चल रहा है जी। अपना सामान वामान रख के आ गए, यहाँ बैठती जब तक नहीं होता। अयो तो आज मेरा लास्ट है यहाँ पे, जो भी बची कुछ चीज़ें वो निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। वैसे तो कुछ खास है नहीं, मम्मी के लिए कुछ देखना था और मैंने लिया क्या है वो आपको दिखाऊंगी मैं नहान जाके। अगर यहीं पे पहन लिया मैंने कुछ अपना तो बता दूँगी कि मैंने यहीं से परचेज़ किया। एक मैंने वाइट कलर की ड्रेस ली है लॉन्ग, वो मैंने ली थी 3-4 दिन पहले है ना, और आज मैंने लोअर लिए हैं बस अपने क्लास के लिए है ना। एक दो लोअर लिए हैं जिसमें से एक नोनी पहन लेगा एक मैं, और बाकी दो टी शर्ट लिए ऊपर की और एक सूट लिया है, ये लिया है। मनीष मार्केट अच्छी है ना, ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है, चीज़ भी अच्छी मिलती है। ये वाली पैंट भी शायद मैंने यहीं से ख़रीदी थी, हाँ शायद यहीं से खरीदी, शायद बाकी याद नहीं मिली। लोग जल्दी साफ़ कर रहे हैं, मैं जल्दी भगूँ, गर्मी लग गई। तो 4 बजे हैं अभी है ना, 3:57 हो रहे हैं मेरी, तो 4 बजे 1 घंटा रेस्ट करूँगी, 5 बजे तक निकलूँगी जू पे है ना। आज तो मैं दिखा के रहूँगी आपको भाई, आज मैं ये रुकेगा नहीं सारा। मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो गाइस रेडी हुई हूँ जाने के लिए, और ये ड्रेस मैंने पहनी हुई है और इसका गला इतना डीप था ना तो मुझे स्पैगेटी पहननी पड़ रही है अंदर से है ना। ये मैं एक्सचेंज करवा सकती हूँ बट एक्सचेंज करवाने का टाइम है नहीं मेरे पास, ये कॉस्ट ड्रेस मैं आज ही खरीद के लेके आई हूँ मनीष मार्केट से जहाँ पर कि मैं अभी गई थी थोड़ी देर पहले है ना, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं जाऊँ उसको एक्सचेंज करवाऊँ। ये स्पेशली मैंने बीच के लिए लिया है वन पीस कि थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए ना कॉस्ट्यूम, नहा से मैं अब की बार कुछ ऐसा लेके आई नहीं हुई हूँ है ना। गर्म इतनी लग रखी है मुझे, बाल मैंने फिलहाल तो बांधे हुए हैं बट ये अच्छे नहीं लग रहे बंधे हुए बाल, इस पर ये ऑड लग रहा है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बाल बाल खुले रखूँगी ना तो थोड़ा कवर अप हो जाएगा। टाइम मेरे देख लो 6 यहीं पे बज गए, मैं जल्दी जल्दी भागती हूँ, अब तो आपको ऑटो में मिलूँगी और जो इस पे मिलूँगी। सनसेट तो मैं दिखा के रहूँगी भाई, आज भगवान का सब बस वो ना हो, क्या बोलते हैं उसको, जाम ना लगे यार, अगर जाम लग गया तो जाम में अटक जाएंगे यार, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं, और मैं सोने की कोशिश कर रही थी इतनी देर से, नींद मुझे आ नहीं रही है, बस अपने एडिटिंग वगैरह में लगी हुई थी, फिर घर बात करने में टाइम चला गया, कभी मम्मी से कभी दुग्गल जी से वीडियो कॉल ये वो सब, टाइम कब निकल जाता है पता ही लगता है जब घर बात होती है, तो लोग वेट कर रहे हैं बड़े एक्साइटमेंट से मेरा, मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए है ना। तो फिलहाल मैं निकलूँगी, धूप तो वैसे है बाहर, धूप तो अच्छी खासी है वैसे बाहर, बट कोई बात नहीं, बादल भी आ गए भाई, मेरे जाने के बाद बारिश होगी क्या, रूम मैंने फिर से भी घेर दिया हुआ है, कोई बात नहीं है तो मैं करती रहती हूँ। तो आपको ऑटो में मिलती हूँ, फटाफट भागती हूँ, ठीक है, बन रहे हैं व्लॉग में। एक चीज़ बोलूँगा आपको, मैंने ड्रेस को पहन ली हुई है स्पेशली, मैंने पहनी हुई है शूट करने के लिए है ना, कि मैं शूट करूँगी ये करूँगी वो करूँगी, अब पता नहीं वहाँ पे शूट मैं कर पाऊँगी कि नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी जाके पता लगेगा है ना।
वैसे तो फोन पकड़ाना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि मेरा फ्रेंड कोरियोग्राफर था, उसने ऐसे फोन पकड़ाया था, किसी को दिया था शूट करने के लिए और वो फोन छीन के भाग गया था उसका बंदा, तो ऐसा सीन हुआ था। तो जब भी मैं ऐसे करती हूँ मुझे उसकी बात याद आती है। तो अगर ज्यादा भीड़ हुई तो मैं नहीं दूंगी किसी को, अगर कम भीड़ हुई तो पकड़ा दूंगी किसी को, बाकी देखते हैं, है ना। ड्रेस तो वैसे अच्छी लग रही, कूल मैन। आपको बताऊँ उसका मैंने टैग भी नहीं उतारा अभी तक, टैग मैंने अंदर डाल दिया हुआ पीछे से, क्योंकि वापस करनी पड़ सकती है मुझे ये, 50-50% चांसेस है। चलो फिलहाल भागती हूँ, बाल खोलती हूँ, मिलती हूँ ऑटो में, ठीक है। कितना टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते? हाँ ट्रैफिक भी रहता है ना इस टाइम पे, बस जितना जल्दी हो सके पहुँचा देना भैया। भर भर क्या रह गए, सनसेट हुआ नहीं है ये जाऊं क्या, पता लगा मुझे कुछ चल देगा किसी ने भाई, छिपकली के जैसे पिछड़ जाऊंगी। सजनी रे कैसे कटे दिन, अरे भाई रुकोगे मुझे भी तो जाने दो, भाई भागो भागो भागो, ये मैं भर गई गाइस, बालों का तो बन गया भाई तुम्बा, कितना ही सेट कर लो कोई फायदा नहीं होता सेट करने का। ये वन ऑफ माय फेवरेट, ये दिखाने के लिए मैं आपको इतना आपसे इतना वो भगभगा क्या बोल रही हूँ, जो भी है चलो समझ जाओ। तो ये है जी जुहू बीच का शाम का व्यू, जो कि बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सामने ही आंखों से देखोगे तो आपको और मजा आएगा। नहीं भैया मैं तो ब्लॉगिंग करती हूँ, फोटो करना नहीं। आप शूट कहाँ से करके नहीं वो वीडियो शूट कर दोगे रील? हाँ अरे इस पे कैसे होगी, तो फोन में होगी, फोन में होगी रिकॉर्ड। मैं एक बात बोलूं, एप्पल का है, इस पे जाओगे गोप्रो का आपको वीडियो मिलेगा, गोप्रो का। कहाँ से? गोप्रो का हमारा बंदा वीडियो बना के देगा पूरा, उसके ऊपर जाएगा। उसके चार्जेस क्या रहते हैं? इसका सेल पर 500 रुपए। बैठी भैया मुझे तो पानी का फोबिया है, अंदर नहीं जा सकती मैं, किनारे तक जा सकती हूँ, गोप्रो पे नहीं जाएंगे। अगर वैसे ही शूट करवाना हो तो आप शूट कर लो, आपको पे कर दूंगी मैं। आप अकेले बोट पे खड़े शूट करना? बोट पे नहीं भैया, इधर ही बीच पे कहीं भी है, आगे जहाँ पे क्राउड कम हो। चलो उस तरफ। कितने पैसे लोगे बताओ? हैं थैंक यू। क्या गूगल से करना है? हाँ वीडियो शूटिंग का फोटो है, वीडियो शूटिंग का ना फोटो निकालना। हाँ वीडियो शूट करना है। पैसे बताओ कितने लोगे आप? जो राइट है, मेरा फोन लेकर तो नहीं भाग जाएगा, इतनी जल्दी मान गया ना, मुझे सब हो रहा है। मैं तो मर जाऊंगी फोन घूम गया तो। और भीड़ देख लो कितनी।
इतनी भीड़ है, भीड़ हमेशा ही आपको यहाँ मिलेगी है। कपड़े ही मिलते हैं क्या यहाँ पे, कच्चे कुच्चे? अच्छा हो किसी ने अंदर जाना हो तो। मेरा टैग तो नहीं दिख रहा पीछे से। बालों से कवर होगी ना आगे की चीज। अरे ये तो भैया भीड़ ही बहुत है आज तो, बीच पे इतना भीड़ क्यों है? ये टाइम पे इतनी भीड़ रहती है क्या? अभी क्या है, बच्चों की वेकेशन छुट्टी है। हाँ। वो इससे छुट्टी है अभी, इससे शाम में आती हूँ तब तो इतनी भीड़ नहीं रहती। हाँ ओके, 15 दिन पानी ऊपर रहता है, 15 दिन पीछे रहता ना, पानी आज ऊपर है ना। हाँ, बारिश है इसलिए। हाँ नहीं ऐसे कुछ, बारिश तो कल आई थी। हाँ कल आई थी ना, बारिश तो कल आई थी। बस क्या बोलते, शूट करवाऊँ? हाँ सो इधर भी भाई इतना भीड़ भीड़। ओ तो कैसे, कभी करवा दिया मैंने तो। वैसे सॉरी आपका सनसेट मिस हो गया थोड़ा सा, पर मैंने व्यू दिखा दिया आपको जो मुझे मेन दिखाना था, इतना सुंदर लगता है। और लगे हाथ मैंने अपनी वीडियोस भी बनवा ली यहाँ पे, पसीना देख रहे हो। भैया को थोड़े बहुत पैसे दिए और काम हो गया। क्या करना भैया, सोशल मीडिया पे काम करना इतना आसान नहीं है। जल्दी जल्दी में कर रहा है जैसे जैसे करके, इन लोग को काम रहते हैं ना अपने। ये तो आया था मैडम फ़ोटो खिंचवा लो, मैं क्या भाई मेरे फ़ोन से बनाएगा तू बता, तो कर दिया भाई। अच्छे लोग भी हैं, पैसे लेके गया बेशक, 100 रुपये दिए उसको मैंने बस। चलो काम तो हो गया अपना, ठीक है गाइस। अब कुछ नहीं, अब क्या, अब यहाँ पर जो मेरा काम वाम था सब हो गया, अब क्या पता है। चप्पलों का हाल दिखाऊँ क्या होता है? रेत रेत। प्यास लगी है बहुत खतरनाक लग रही थी, तो मेरा भाई ये अटैक नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ी देर बैठती हूँ, नारियल पानी या जूस देखती हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है, थोड़ी देर बैठूँगी फिर निकल जाऊँगी। आज जल्दी निकल जाऊँगी क्योंकि मेन तो मुझे सनसेट ही दिखना था। यहाँ को थोड़ा बहुत क्राउड कम है ना। कुछ लड़कियाँ मुझे देख के हंस रही क्यों है, बाई दे आर लॉकिंग। चलो अब ये फैशन वाले चश्मे रखने का टाइम आ गया, और अपने नज़र वाले चश्मे पहनने का टाइम आ गया। फोटोज में खिंचवाऊँगी और भी लगे हाथ किसी लड़की को पकड़ के, वो तो चलो प्रोफेशनल होते हैं, उन लोगों को फालतू गर्दी नहीं करनी होती। काम करेंगे पैसे लेंगे, पतली गली से नहीं करेंगे। मैं किसी लड़की को पकड़ती हूँ, लेट मी चेक गाइस, वेट। लो जी ये ज़रूरी है भाई, इसके बिना दुनिया जीरो लगती है। और आप कमेंट नहीं कर रहे हो गाइस आजकल कि आपको कैसा लग रहा है बीच। वर्सोवा बीच तो एक नंबर का बकवास था, सामने तो चल सेम ही लग रहा था, बट ये जो नीचे का हिसाब के था आप तो वहाँ का बहुत ज़्यादा गंदा था। यहाँ का आपको कैसा लग रहा है बताना, रात को तो चलो पता नहीं चलता ज़्यादा, बट इस टाइम तो देख ही रहे हो आप, दिख रहा है सब कुछ। प्यास लगी है मुझे इतनी ज़्यादा ज़ोर की ना, मैं क्या ही बोलूँ, मत कहाँ मिलेगा पानी भाई। भैया पानी है क्या? पानी है नहीं, कुल्फी नहीं खानी। फ्लाइट जा रही है, कल मैं भी जाऊंगी इसी फ्लाइट से। ये रुक जा कुछ देखती हूँ है क्या, रुक जा अभी।
एंड थोड़ी देर बैठने के बाद गाइस चली गई थी मैं अपना भुट्टा भुट्टा खाने के लिए, और मुझे घर भी लेके जाने थे। ये दो भुट्टे मैंने घर के लिए पैक करवा दिए, क्योंकि दुग्गा जी रोज़ बोलते थे क्या इतनी गर्मी में वहाँ पे मक्कियाँ खा रही है, भुट्टे खा रही है, जा जा कितनी गर्मी में। मैंने बोला भाई इनका टेस्ट वैसा नहीं है जैसे वहाँ के भुट्टों का होता है, तो मैं दो पैक करवा के अपने निकल गई थी होटल। पहुँच गई गाइस होटल, भुट्टा भी मैं साथ ही ले आई हूँ अपने, मैं सोचा था उसमें खा लूँगी आते आते ऑटो में, बट ऑटो वाले को रास्ते का पता ही नहीं था, मैप खोल खोल के लेकर आई हूँ उसको, है ना। और टाइम अभी 7 हो गए, सीढ़ियाँ चढ़ के भाग भाग के आई हूँ इसलिए सांस फूल रही है। और ये अपनी पैकिंग वैकिंग करूँगी थोड़ा सा, देखती हूँ क्या कैसे है, बेचारा पसीना हो गया होगा भुट्टे के अंदर, और ये मक्खी करती रही जैसे कि आपको बोला। तो चेंज वेंज करती हूँ, खाना वाना खाती हूँ, फिर देखती हूँ मिलती हूँ आपको या नहीं मिलती। और ये पैरों के हाल दिखाऊँ आपको, देख लो ये जाके धोने पड़ेंगे पैर और चप्पल धोने। चलो ठीक है, मिलती हूँ अभी। सो गाइस ठीक है, व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे, कल मुझे निकलना है घर, और कल का व्लॉग मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज पे फॉलो कर दें। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।